आज मैं विजय जी धर्म जी रजनीश कायनाथ सबको मिस कर रही हूँ राजपाल यादव मुझे बहुत मज़ा आया काम करके इसमें क्योंकि ये पहली बार मैंने इस जॉन्ड्र में काम किया है विच इज़ कॉल हॉर कॉमेडी और आजकल वही चल रहा है तो हम मैं भी ये सही टाइम पे रिलीज़ हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सक्सेस हमने इसके पहले वाले फिल्म को मैंने हमने देखा है उसी उसी को हम फॉलो करें

तो अब आई है मैंने ट्रेलर देखा आपने भी देखा अच्छा लगा होगा आई होप एंड आई होप पीपल लाइक इट एक्चुअली चार सालों की वेट के बाद रिलीज़ हुई फाइनली मूवी और कॉमेडी है और बहुत मेहनत लगी थी हमारी मुझे याद है जब भी हम फर्स्ट डे नरेशन में बैठे थे तो बहुत कुछ है अभी ट्रेलर में तो एक्चुअली ढाई मिनट में कुछ पता नहीं चल रहा बट आई सॉ द फिल्म मैंने देखी सर के साथ तो बहुत ही मज़ा आया देख और एक्चुअली में हंसी आ रही थी शूटिंग के टाइम पे तो नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त ऐसे होता है कि हम ऐसे सीन्स करते हैं कि सारे इमेजिनेशन में होते हैं ये बाद में उसके बाद जब इफेक्ट्स लग के आते हैं वी होता है उसके बाद मैंने भी नहीं देखा एक्चुअली डबिंग के टाइम पर भी नहीं पता चला कि कैसे मतलब इसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट्स होगी तो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी द फर्स्ट कॉपी बट शूटिंग के टाइम पर बहुत मज़ा आया क्योंकि इमेजिनिंग कि ये अभी हो रहा है या होने वाला है और उस इमेजिनेशन पर हम रिएक्शन देते हैं तो so, कई बार ऐसे लगता है कि आई मस्ट बी लुकिंग लाइक एन इडियट तो हंसी आ जाती थी एंड uh, विजय राज जी जो हैं वो बहुत सीरियस टाइप के मतलब फेस है उनका पर एक्चुअली उनकी कॉमेडी उसके सीरियसनेस के पीछे है वो हंसते नहीं है जैसे हम गिगल करते हैं मैं गिगल करती रहती हूँ पर विजय राज जी इज़ नॉट लाइक दैट ही लुक्स लाइक दिस और वो जो भी अपने मुँह से कहते हैं जो भी शब्द बोलते हैं तो उससे हंसी आ जाती थी और उनको सब कुछ फ़नी लगता है तो उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और हमारे काफ़ी सीन्स टुगेदर थे और फिर राजपाल जी उनके बारे में क्या कहना उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इट्स लवली टू वर्क विद यू नो आर्टिस्ट हु आर वेरी क्या कहो? यू नो एनर्जाइज्ड एनर्जेटिक क्योंकि फिर उनसे हमें एनर्जी मिलती है एंड दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम यादव जी एंड कोर्स धर्म जी के साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया बिकॉज uh, वो मुझे कभी भूलने नहीं देते कि उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी <laughs> जब भी हम मिलते हैं बोलते हैं मैंने तो स्विमिंग सिखाया बिकॉज ड्रीम गर्ल फिल्म एक्चुअली मैं अपने आप को चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ पर मैं हेमा जी के साथ उनके सेट पे चली जाती थी और कभी भी अगर सेट पे एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है हेमा बोलती हेमा जी बोलती यू डू इट तो ऐसे करते करते मैंने उनके साथ तीन चार फिल्मों की थी जैसे आ, स्वामी एंड शराफ़त छोड़ दी मैंने एंड ड्रीम गर्ल सो विथ ड्रीम गर्ल आई वेंट टू अमेरिका विद दैट यूनिट और धर्म जी ने मुझे पहली बार वहाँ पे यू नो स्विमिंग सिखाया था सो so इस बार भी वही बात हमेशा छेड़ते हैं कि मैंने सिखाया and uh, of course I really really love him he's a wonderful wonderful human being so उनके साथ screen share करने मिला it's a, it's a blessing it's an ऑनर एक्चुअली सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया I was the यंगेस्ट तो mm -hmm. सीखने को बहुत कुछ मिला हर एज ग्रुप के एक्टर्स हैं यहाँ पे मैम मुझसे लेके हर तरह के धर्मेंद्र जी तक तो बहुत बहुत सीखने को मिला मुझे और एक्चुअली कई बार ही क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका लो होता है इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ सीन्स है धर्मेंद्र hmm. जी के साथ जब मेरा सीन था तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि बहुत तीन चार पेज की मुझे मिला था जो मेन क्लाइमेक्स सीन था तो उन्होंने जब स्क्रीन पर देखा उन्होंने मुझे उन्होंने मतलब वो ऐसे मैं पीछे खड़ा था उनको नहीं पता था तो उन्होंने बोला कि ये लड़का ना बहुत आगे जाएगा तो वो सुन के जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको मन करता है कि हाँ मतलब कुछ तो बात होगी कई चीज़ आपको हो, होता है ना यू दट ड्राइव्स यू और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ और और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने वही बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे हॉरर कॉमेडी है तो दो जॉनराज जो है वो अ, मिक्स हो रहे थे तो हॉरर भी बहुत टफ है करना कि अगर किसी को डराना है वो भी बहुत मुश्किल होता है किसी को और हंसाना भी बहुत मुश्किल है तो वो आई थिंक मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स जो दो है वो मिक्स हुई है इसके अंदर और आम शोर लोगों को देख के बहुत मजा आएगा और इवेंचुअली तो आपने देखा बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है और मैं कहूँगी कि एक्चुअली जो कॉमेडी जो है वो दो तरह की कॉमेडी होती है एक जो है जो कमेडियंस होते हैं जो कॉमेडी करते हैं जिस तरह से वो एक्ट करते हैं बॉडी लैंग्वेज और दूसरा जो है वो सिचुएशन ऐसे होती हैं आर्टिस्ट सीरियस होते हैं hmm. आर्टिस्ट आर बींग रियल एंड सिंसियर लेकिन जिस तरह से लिखा गया होगा या जो सीन्स हैं सिचुएशंस हैं वो फनी होती हैं तो इस फिल्म में मेरा जो है मैंने कॉमेडी नहीं किया है पर जो सीन्स आर लाइक दैट व्हेन यू वॉच इट इट्स फनी एंड ऑफकोर्स यू हैव राज वो हर रिएक्शन में हंसी हाँ आती है उनकी विजय राज तो yeah. वो है ही है मेन की वो खड़े खड़े ऐसे मतलब एक्सप्रेशन से हंसा देते हैं बस ऑडियंस को पसंद आ जाए क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल ऑडियंस को क्या पसंद आती है जिस फिल्म पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखते हैं वो नहीं चलती और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ठीक है रिलीज़ हो गई तो रिलीज़ हो गई वट और ऐसे फिल्में चल जाती हैं फिर वहाँ से एक नया दौर निकल आता है और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आ जाए और इसमें जैसे हमारी जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऑन सॉम कास्ट है इफ़ दे लाइक इट उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगी मैं यही चाहूँगी कि लोगों को पसंद आ जाए एंड कॉमेडी है और हॉर है और मैंने यही देखा आप भी कह रहे हो सब लोग कह रहे हैं कि आज वही चल रहा है uh, मैं बहुत एक्साइटेड भी हुआ नर्वस भी हूँ दस दिन बचे हैं, तो एज एस वॉन्ट कि सब लोग देखने जाए थिएटर में और हिट हो सुपर हिट हो मूवी अब मैं वो देख रहा हूँ इनको बोलूँ कि ऊपर डायरेक्टर की मैंने देखा रहे प्रोड्यूसर वैसे <laughs> दोनों का एकदम परफेक्ट रोल होता है एक्चुअली ना अगर डायरेक्टर भी ना वो प्रोड्यूसर भी ना तो मूवी बन नहीं सकती है एक्टर तो बहुत बाद में आते हैं तो और चार साल से वेट किए सर ने दोनों ने जिनके पैसे लगे उन्होंने जिन्होंने पूरा सपना देखा जिनका बेबी है डायरेक्टर सर तो बहुत मेहनत लगी है और फाइनली अब रिलीज होने वाली है टाइम आ गया है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है नर्वस भी है क्योंकि चार साल से ऑब्वियसली बात है कि चार साल से जब हमें पता है कि मूवी कोविड हो गया बीच में तो हम बहुत बहुत टेंशन होती है क्योंकि मेहनत सबने इतनी की होती इतना है इतना ज़्यादा पैसा लगा होता है बट फाइनली वो दिन आ गया है और बहुत बहुत एक्साइटेड है हम सब चार साल तो नहीं इसको 2019 में हमने शूट किया था और 20 और 21 हमारे सब पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के हमारे खराब हो गए और उसके बावजूद भी हमने एक कमल जी के साथ फिल्म बनाई थी देहाती डिस्को जो अभी रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले क्योंकि उस रिलीज़ में हम लोग लगे हुए थे और अब इसका खली का टाइम आ गया तो डेफिनेटली इतनी दिल से मेहनत की है और सारी कलाकारों को सबको आप देख ही रहे हैं स्टार कास्ट कितनी बड़ी है प्रोड्यूसर की तो डेफिनेटली धन मन तन सब लगाए हम लोगों का क्रिएटिव पार्ट लगाए तो अच्छी फिल्म बनती है तो ज़्यादा इंतजार होता है कि यार ये फिल्म जल्दी आए और उसको लोग लाइक करें तो आज हम खुश हैं तो हमारी पूरी टीम खुश है कि हमारी फिल्म सिक्सटीन सेप्टेंबर को आ रही है सिनेमाघरों में और ये हंसाएगी और डराएगी